हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक और एक्सेल शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्सेल शीट खास करके डायरेक्टमैन लोगों के लिए, जो भी नया डायरेक्टमैन बनता है ना, उनमें अक्सर ये देखा गया कि टैंक कैपेसिटी, टैंक वॉल्यूम कैलकुलेशन करने में उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है क्योंकि फ्रेश होते हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमने एक कैलकुलेटर का डिज़ाइन किया हुआ है जो आपके सामने है। इसमें कुछ रूल्स है, कुछ सेल रूल्स, उसको आपको फॉलो करना है और ये आसानी से आपका मोबाइल फ़ोन में भी काम करेगा क्योंकि ये गूगल शीट में, जिनके पास भी इसका लिंक होगा वो आसानी से गूगल शीट द्वारा इस कैलकुलेटर को आप फ़ोन से भी आसानी से यूज़ कर सकते हो। इस शीट को यूज़ करके आप चार टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हो। पहला है आपका टैंक का बैरल्स पर फुट कैपेसिटी कितना है, दूसरा है आपका टैंक का बैरल्स पर इंच कितना है, और आपका टैंक का वॉल्यूम कितना है, और मड पम्प का आउटपुट। हर सेल में एक एक रूल है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। चलिए पहले देख लेते हैं बैरल्स पर फुट टैंक कैपेसिटी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तीन कलर है। कोई भी सेल में आपको ये ग्रीन कलर का जो सेल है ना, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, कोई छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है। ये आंसर है आपका, आपको जो भी आउटपुट चाहिए ना वो सबका आंसर यहाँ पे आएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। जो भी ग्रीन कलर का सेल है उसको छेड़ना नहीं है। समझो अभी आपको बैरल्स पर फुट चाहिए आपका टैंक का। आपका टैंक का लेंथ निकालो और आपका टैंक का विड्थ डाल दो। यहाँ पे 15 फीट ले लूँगा, ये फीट में है, और विड्थ ले लूँगा 10 फीट का। चलो 10 तो है ऑलरेडी था, 15। देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली। इसी तरह अगर आपको बैरल्स पर इंच चाहिए, चलो सेम ले लेते हैं, 15 लेंथ और ये 15 विड्थ। आपका बैरल्स पर इंच है 3.33 आपका बैरल्स पर इंच है। अगर आपका पूरा टैंक का वॉल्यूम जानना है, लेंथ तो यही पकड़ लेते हैं 15 फीट, विड्थ है 15 फीट और हाइट है तकरीबन 10 फीट, 10 ही पकड़ लेते हैं, तो आपका ये वॉल्यूम आएगा टैंक का 400 बैरल। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, आपका बैरल्स पर फुट कितना है 40.1, और हमने यहाँ पे कितना हाइट कितना रखा टैंक का 10 फीट। अगर आप कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेशन करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, ओके। और ये चौथा कैलकुलेटर है मड पम्प का आउटपुट के लिए। इस कैलकुलेटर का आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहाँ पे तीन कॉलम है, आपको जो भी करना है इस तीन कॉलम में करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। समझो कि अभी आपका मड पम्प पे 6.5 का लाइनर है और आपका स्ट्रोक लेंथ है 11, और मड पम्प का एफिशिएंसी नॉर्मली 97% यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर आपको चाहिए 95% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके दे देगा। यूनिवर्सली 97% है जो कॉमनली हर जगह पे यूज़ होती है, ओके।
अगर आपका मड पम्प का स्ट्रोक लेंथ 12 है तो बस 12 यहाँ पे डाल देना। बस ये तीन सेल में आपको काम करना है। ये कैलकुलेटर डेरिकमैन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। एक बार बैक टेस्ट करके आप यूज़ करके देखो, अगर कुछ भी और चेंजेस चाहिए आप कमेंट करके हमको बता देना। वीडियो अच्छे लगे तो आपको और ऐसा कैलकुलेटर में बनाते रहता हूँ। अगर ऐसा कुछ भी आपको चाहिए आप हमको हमारे ईमेल एड्रेस में मेल कर देना, किस टाइप का कैलकुलेटर आपको चाहिए। इस शीट में चैनल का लिंक यहाँ पर है, अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो यहीं से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। शीट का लिंक वीडियो में मैं पोस्ट कर लूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।